हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास टेंथ द सरमन एट बनारस, जिसको बेटी रेनशा ने लिखा है, के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के दो पार्ट्स के वीडियो पड़े हैं, उसको नहीं देखे हैं तो उसकी भी लिंक पड़ी है। इस वीडियो में हम लोग करेक्टर स्केच देखेंगे। गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ गौतम बुद्धा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्ध का चरित्र देना है। आंसर हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय। गौतम बुद्धा वाज बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली, गौतम बुद्ध का जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था। हिज चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्था, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एट द एज ऑफ 12, 12 वर्ष की अवस्था में ही वाज सेंट अवे फॉर स्टडिंग द हिंदू सेक्रेट स्क्रिप्चर्स, उनको बाहर हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए भेजा गया। आफ्टर 4 ईयर्स ही रिटर्न, 4 वर्ष के बाद वे लौटे। एंड गॉट मैरिड टू अ प्रिंसेस यशोधरा, और एक राजकुमारी यशोधरा से विवाह किया। हेडिंग डालेंगे हिज रियलाइजेशन, रियलाइजेशन मीन्स एहसास, तो उनका एहसास, विश्वास। वंस एक बार, व्हाइल हंटिंग, जब शिकार कर रहे थे, प्रिंस सिद्धार्थ सा अ सिक मैन, एन एजेड मैन, एंड अ फ्यूनरल प्रोसेशन, तो राजकुमार सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति, एक अधिक उम्र के व्यक्ति को और शव यात्रा पर जाते लोगों के जुलूस को देखा। ही ऑल्सो सा अ मंक बेगिंग, उन्होंने एक भिखारी को भिक्षा मांगते हुए भी देखा। ही रियलाइज्ड दैट, उनको एहसास हो गया कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सारो, संसार दुखों से भरा है। सो ही लेफ्ट द पैलेस इन सर्च ऑफ इनलाइटमेंट, इसलिए ज्ञान की खोज में उन्होंने महल को त्याग दिया, छोड़ दिया। हेडिंग है हिज सर्च फॉर इनलाइटमेंट, तो ज्ञान की उनकी खोज। गौतम बुद्धा वांडर्ड फॉर 7 ईयर्स, गौतम बुद्ध 7 वर्ष तक भ्रमण करते रहे, भटकते रहे। फाइनली अंततः ही सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। देयर ही गॉट इनलाइटमेंट, वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आफ्टर 7 डेज ऑफ इनलाइटमेंट, ज्ञान प्राप्ति के 7 दिन पश्चात, ही रीनेम्ड द ट्री बोधि ट्री, उन्होंने उस पेड़ का नाम बोधि ट्री नाम दिया। लास्ट हेडिंग है हिज टीचिंग्स, उनकी शिक्षाएं। लाइफ इज मोर्टल, जीवन नश्वर है। नो वन इज इमोर्टल, कोई अमर नहीं है। देयर इज ओनली ट्रबल एंड ग्रीफ इन दिस वर्ल्ड, तो इस संसार में केवल दुख और कष्ट है। डेथ इज डेफिनेट, मृत्यु निश्चित है। नोबडी कैन अवॉइड इट, कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता, मृत्यु से बच नहीं सकता। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, बुढ़ापा आने पर, वृद्धावस्था में पहुंचने पर, देयर इज डेथ, मृत्यु होती है। इसको अपने नोटबुक में नोट कर लें, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।